जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1698 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 596 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 864 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 255 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 838 नए मामले सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 860 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 52,410 हो गया है। खुफिया सूचना के आधार पर जिला पुंछ के मेंढर में सेना, पुलिस और एसओजी द्वारा संयुक्त अभियान के तहत आतंकियों के मददगारों को धर दबोचा गया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, आईडी बरामद किया गया। इनके कब्जे से 3 चाइनीज पिस्टल, 6 पिस्टल की मैगजीन, 70 पिस्टल राउंड्स, 11 हैंड ग्रेनेड, 1 वायरलेस सेट, 1 आईईडी, 2 बैटरीज, 1 मोबाइल फोन विद चार्जर और 2 झंडे बरामद किए गए हैं। दोनों आतंकी मददगारों से पूछताछ जारी है। जम्मू जिले के अखनूर कस्बे में स्पोर्ट्स क्लब परिसर में 1965 के भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारत माँ के वीर सपूत शहीद लेफ्टिनेंट ठाकुर दास को उनके परिवार वालों सहित स्पोर्ट्स क्लब के प्रधान रिटायर्ड जज देवेंद्र कपूर, पार्षद, एडवोकेट डीसी गुप्ता व अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स क्लब का पुनरुद्धार होगा और यहां के युवा ऐसे योद्धा के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। जम्मू में सतवारी के अशोकनगर शिव बाबा के प्राचीन मंदिर में अफरा तफरी मच गई। भारी संख्या में मकामी लोगों और साधु संतों द्वारा मंदिर की जमीन को कुछ रसूखदार नेताओं द्वारा कब्जाने के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध कर रोष व्यक्त किया गया। साधु संतों ने आरोप लगाया कि जमीन पर कुछ रसूखदार लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व दुकानें बनाना चाहते हैं, जो सरासर अन्याय है। ये सारी जमीन वैध है और कानूनी तौर पर मंदिर के नाम पर है। देश ने अपनी आजादी के 74 साल बड़ी धूमधाम से मनाए, पर आज भी देश के कई हिस्से मूलभूत सुविधाओं के से वंचित हैं। इसी क्रम में कश्मीर घाटी के जिला शोपियां जिले का कटियारा मोहल्ला के चेक सैदो गांव अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। आज भी पीएचई विभाग इस गांव को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है। आज भी गांव की बेटियां, महिलाएं दूर से नदी नालों का पानी ढोती हैं, जो अक्सर मटमैला होता है, जो सेहत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। कई बार जल शक्ति विभाग का चक्कर लगा चुके हैं, पर पानी की जगह सिर्फ आश्वासन मिला। इसी को लेकर गांव के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध किया और अपील की कि हमारा हक हमें दिया जाए। जिला सांबा के जम्मू कश्मीर डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट सांबा द्वारा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 20 से 25 सालों से डेली वेजर्स का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें रेगुलराइज नहीं किया गया और ना ही मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें एसआरओ 520 नहीं बल्कि एसआरओ 64 डेली वेजेस के लिए बनना चाहिए, ताकि उनके वेजेस के साथ साथ उन्हें अलाउंस भी मिल सके। हम पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो हम 23 सितंबर को इस मसले के हल के लिए कश्मीर मार्च करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे और अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई तो उसके लिए प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार होंगे। कश्मीर घाटी के जिला सोपोर के शेखपुरा बहरामपुरा का एक प्रतिभाशाली लड़का 22 वर्षीय वलीद बशीर को सभी लोग और उसके दोस्त उनके व्यवहार और लेखन से प्रभावित थे, उसे प्यार करते थे। वो एक अच्छा खिलाड़ी भी था, लेकिन न जाने कैसे चरमपंथियों के हत्थे चढ़ गया और उसका इस्लाम के नाम पर ब्रेन वॉश किया गया और ये होनहार युवक अल बदर आतंकी संगठन में शामिल हो गया। सुरक्षा बलों द्वारा उसे आत्मसमर्पण और पुनर्वास दिलाने के सभी प्रयास किए गए, परंतु सब नाकाम साबित हुए।
और एक दिन सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ये युवा मारा गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर युवा प्रतिभाशाली कश्मीरी युवक को बलि का बकरा बना दिया और कश्मीर से उसका होनहार बेटा छीन लिया। कोरोना वायरस के मामलों में हर रोज इजाफा हो रहा है। लोगों की लापरवाही भी मामलों को बढ़ाने के पीछे कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को कोरोना के खिलाफ ढिलाई नहीं बरतने की सलाह दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कहा कि जब तक कोरोना वायरस की दवाई नहीं बन जाती तब तक उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी इस बात को लोगों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए प्रधानमंत्री एक नारे के साथ आए। प्रधानमंत्री ने कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। वहीं उन्होंने कोरोना के खिलाफ मास्क और सामाजिक दूरी की महत्ता को लेकर एक नारा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, दो गज की दूरी मास्क है जरूरी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना वाले कार्टून को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने को लेकर पूर्व नौसेना अधिकारी की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कोरोना के मामले, सुशांत सिंह राजपूत की मौत, कंगना रनौत और संजय राउत के विवाद के बाद अब इस मामले को लेकर भी महाराष्ट्र में राजनीति तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मामले में सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। एक ओर जहां प्रदेश में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व नौसेना अधिकारी से बात की और इस तरह के हमलों को अस्वीकार्य बताया।